प्रदेश में तेंदुपत्ता खरीदी प्रक्रिया शुरू होने से ग्रामीणों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान महिलाएं अब जंगल जाकर तेंदुपत्ता तोड़ रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही हैं। बलरामपुर जिले में भी इन दिनों तेंदुपत्ता संग्रहण और खरीदी का कार्य जोरों पर है। महिलाएं सुबह जंगल जाती हैं और तेंदुपत्ता तोड़कर उसे नजदीक के खरीदी केंद्र में बेच रही हैं। हितग्राहियों ने बताया कि तेंदुपत्ते के संग्रहण से उन्हें रोजगार मिल रहा है और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो चली है। हम लोग जंगल जाते हैं 5 बजे भोर में, फिर जंगल से लाते हैं, गड्डी बनाते हैं 50-50 का और फड़ी में ले जाके बेचते हैं, फिर पैसा मिलता है, यही हम लोग का रोजी रोटी है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है साहब, तो हम लोग सुबह सुबह पत्ता तोड़ने जाते हैं, पत्ता तोड़ के लेके आते हैं, उसका गड्डी बनाते हैं, गड्डी बनाने के बाद इसको बेचने आते हैं। इसीलिए आजकल तो कुछ काम धाम हो नहीं रहा है, तो उसी से हम लोग का घर उर चलेगा। हम लोग अमन विभाग की तरफ से तेंदुपत्ता चालू हो गया है, सब परिवार मतलब मिल करके सभी जंगल पत्ता तोड़ने जाते हैं और वहाँ ला करके घर में अपना उसका गिनती करके बांधते हैं पत्ता को, उसके बाद पत्ती फड़ में लेकर के आए हैं और भी बेच रहे हैं यहाँ से। उसके बाद कुछ दिनों में पैसा 2-4 रुपये मिल जाएगा इसी से, और काम भी नहीं था तो तेंदुपत्ता के माध्यम से रोजगार मिल गया है। और इस संबंध में वन विभाग के SDO श्याम सिंह देव ने बताया कि 400 रुपये प्रति सैकड़ा गड्डी और 4,000 रुपये मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही है। पारिश्रमिक का भुगतान हितग्राहियों के बैंक खाते में किया जा रहा है। इस वर्ष तेंदुपत्ते का दर 400 रुपये प्रति सैकड़ा है, 4,000 रुपये मानक बोरा है, तो एक अच्छा काफी अच्छा दर है और संग्राहक हितग्राही जो है काफी प्रसन्न है। जंगल से अच्छी क्वालिटी का तेंदुपत्ता तोड़ के ला रहे हैं और हमारा फड़ चालू है, जैसा आप देख रहे हैं ये लोग काम कर रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सभी लोग मास्क लगा के संग्रहण भी कर रहे हैं और जैसे पत्ता का बिछाई का काम कर रहा है उस तरह का काम कर रहे हैं ये लोग। का भुगतान सीधे खाते में होगा, सभी संग्राहकों के बैंक अकाउंट में भुगतान होगा और ये एक प्रति सप्ताह भुगतान हो जाता है।